स्टूडेंट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग स्टूडेंट्स ये क्लास टेंथ की सेकंड वीडियोस में डाल रहा हूँ। इसमें एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन है। स्टूडेंट्स यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल नेम है केमिस्ट्री अमेजिंग वर्ल्ड। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एसिड्स के बारे में और एक्सप्लेनली। स्टूडेंट्स हमने लास्ट टर्म पर बात करी थी एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। सो स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। इसका मतलब कि वो वाटर में लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। लाइक मिनरल एसिड जितने भी होते हैं वो सब आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट वेरी रैपिडली विद अदर सब्सटेंसेज सच एज मेटल, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो बहुत तेजी से दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करते हैं, चाहे वो मेटल हो, मेटल कार्बोनेट्स हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन की जो कंसेंट्रेशन होती है वो सोल्यूशन में बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट नाउ वी विल टॉक अबाउट वीक एसिड्स। तो वीक एसिड्स वो होते हैं जो वाटर में पार्शियली यानी कम आयनाइज होते हैं और स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड वीक एसिड्स। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, कार्बोनेट एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। यानी कि एसिटिक एसिड होता है आपका CH3COOH, कार्बोनेट एसिड होता है वो आपका H2CO3 और सल्फ्यूरस एसिड होता है आपका H2SO3। सो स्टूडेंट्स इनमें क्या होता है, जो आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है और इसी की वजह से जो सॉल्यूशंस आपके रिएक्शंस करते हैं वो कुछ सॉल्यूशन इसके साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ नहीं रिएक्शन करते हैं। ये बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं दूसरे सब्सटेंस से, जैसे कि अभी आपको एग्जाम्पल मैंने लेके बताए थे मेटल, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन होती है वो बहुत लो होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी बहुत लो होती है। अब इनके यूजेस के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर बनाने में, प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा पेंट, डाइज, केमिकल्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट्स और एक्सप्लोजिव और कार बैटरीज में भी इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रिक एसिड्स की। तो देखिए नाइट्रिक एसिड्स भी अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर बनाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा TNT, एक्सप्लोजिव्स और पेंट और प्लास्टिक में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स क्या होता है, ये स्टील ऑब्जेक्ट जो होते हैं उन पर ऑक्साइड फिल्म रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा डाई स्टफ, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फूड और लेदर इंडस्ट्रीज में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का यूज होता है। सो स्टूडेंट्स दीज आर द इम्पोर्टेंट यूज ऑफ एसिड्स। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बेस। देखिए बेस को हम यदि आइडेंटिफाइड करेंगे तो बेस का बिटर टेस्ट होता है, यानी कड़वा होता है, कसेला टाइप होता है। और कुछ बेस तो ऐसे होते हैं जिनका कोई टेस्ट नहीं होता, अपोजिट ऑफ एसिड होता है। अ बेस इज द केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिस। इसमें एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब क्या है, ये बेस कंसीडर्ड किए जाते हैं। सो अ बेस विच इज सॉलेबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। यदि कोई बेस वाटर में सॉलेबल होता है तो उसे हम बोलते हैं एल्कली। जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये मोस्ट इनसॉलेबल बेसिस है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं। अब उनके हाइड्रोक्साइड आयंस के बेस पर स्पेशली बात करते हैं। अ बेस इज अ सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। स्टूडेंट जब बेस को हम वाटर में प्रोड्यूस करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन को आपका प्रोड्यूस करता है सॉल्यूशन में, क्योंकि उनमें हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन अधिकतर में जुड़े होते हैं। यदि हम NaOH को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो Na+ एक्वस और OH- एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस भी एसिड की तरह दो टाइप के होते हैं, वो एसिड, वो बेस जो वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। इनके एग्जाम्पल हैं
सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब वीक बेस की बात करते हैं, तो वीक बेस बिल्कुल वो बेस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पर कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, पार्शियली आयनाइज होते हैं और स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उन्हें हम कहते हैं वीक एल्कली या वीक बेस। एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब रीजन क्या है पार्शियली आयनाइज होने का, क्योंकि उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की। तो देखिए सबसे पहले मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि इसका बिटर टेस्ट होता है, इसका बिल्कुल ऐसा टचमेंट होता है जैसे कि सोप टाइप, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम। ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। बेसेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशंस में, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। बेस रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे जिंक के साथ, सो सोडियम जिंकेट बन जाएगा Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हो जाएगी। बट स्टूडेंट्स बहुत कम मेटल्स होती हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करती हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। बेस जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हो जाता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए जब हम एसिड्स की बेस की बात कर रहे थे, तो एसिड और बेस कंबाइन होने के बाद, अभी आपको बताया कि कॉम्बिनेशन करने के बाद जो उसके एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन होते हैं और बेस में प्रेजेंट हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं वो वाटर को फॉर्म करते हैं और सॉल्ट प्रिपेयर होता है। बेस की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, जैसे कि नीचे रिएक्शन देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। इट मींस नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बेस, यूजेस ऑफ बेस। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोप में भी यूज होता है, पेपर में भी यूज होता है, सिंथेटिक फाइबर रेयन में भी यूज होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी सोप होते हैं उसमें कास्टिक सोडा के नाम से प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड की फॉर्म में यूज होता है और ये हमारे स्टोमच में डाइजेशन, आपने इनो तो लिया ही होगा, इनो जो होता है वो एक एंटासिड होता है जो हमारे स्टोमच में एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने का वर्क करता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा की फॉर्म में यूज होता है और हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग करने के काम आता है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये कुकिंग सोडा होता है, यानी बेकिंग सोडा होता है और कुकिंग फूड के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा बेकिंग पाउडर का यूज एंटासिड की फॉर्म में भी यूज किया जाता है और फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने में भी सोडा एसिड्स का यूज होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, यानी कि पीएच स्केल। देखिए स्टूडेंट्स इसके बारे में आपने थोड़ा पढ़ा है और आगे हम यहाँ पढ़ाएंगे। देखिए प्योर वाटर जो होता है, द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर इक्वल। जो प्योर वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल होते हैं, इसीलिए वो न्यूट्रल होता है। यदि हम एसिडिक सोल्यूशन की बात करें तो एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं और बेसिक सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं स्टूडेंट्स। सो इसे हमारे 1909 में सोरेनसन ने एक स्केल बनाया था जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल, और इससे हम एसिड और बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन दैम। ही लिंक्ड द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन टू द सिंपल नंबर्स 0 to 14 ऑन द पीएच वॉल। उन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन आयन की जो कंसेंट्रेशन थी एसिड और बेस सॉल्यूशन के लिए उसे बहुत सिंपल नंबर में 0 to 14 तक पीएच स्केल में पुट कर दिया। सो द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। सो पीएच वैल्यू जो होती है सॉल्यूशन की वो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की प्रोपोर्शनल होती है।
लो कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की हाई पीएच वैल्यू रिप्रेजेंट करती है और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन लो पीएच वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल उल्टा है, यदि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम है तो पीएच वैल्यू ज्यादा होगी, यदि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच वैल्यू कम होगी। सो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर कॉल्ड पीएच स्केल। तो एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो मेजर्ड होती है स्केल ऑफ नंबर से, जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल। और पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है वो 0 to 14 होती है। न्यूट्रल सब्सटेंसेस के लिए वैल्यू 7 होती है, एसिडिक सब्सटेंसेस के लिए पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, यानी कि 0 to 6.9 तक मान सकते हैं। और बेस की पीएच वैल्यू 7.1 से लेकर 14 तक होती है। नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग द स्केल ऑफ पीएच वैल्यू विच शोज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसिड एंड द बेस। देखिए स्टूडेंट, सामने मैंने एक स्केल बना रखा है, इस स्केल में क्या है, जो 7 वाली वैल्यू है उसके ऊपर मैंने लिख रखा है न्यूट्रल, और 7 से पहली वाली जो वैल्यू है वो सब पीएच वैल्यू एसिड्स के लिए यूज होती है, और उसके बाद वाली वैल्यू बेस के लिए होती है। अब मैंने इसमें यहां पर यह भी आइडेंटिफाई कर रखा है कि कहां से कहां तक की वैल्यू स्ट्रांग एसिड्स होती हैं और कहां से कहां तक की वैल्यू वीक एसिड या वीक बेस या स्ट्रांग बेस होती हैं। देखिए 0 to 3.5 तक स्ट्रांग एसिड्स होते हैं, 3.5 to 6.9 तक वीक एसिड्स होते हैं, 7.1 to 10.5 तक अप्रोक्स वीक बेस होते हैं, और 11 to 14 तक अप्रोक्स 10.5 to 14 तक स्ट्रांग बेस या एल्कलीज होते हैं। अब मैंने कुछ वैल्यूज भी दे रखी हैं, जैसे कि लेमन जूस बहुत कट्टा होता है, स्ट्रांग एसिड्स होता है, 2.5 वैल्यू होती है, विनेगर 4, टमाटो जूस 4.1, कॉफी 5, ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 होती है, यानी कि बेस होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, मिल्क की होती है 6.5, ये एसिड होता है वीक, और प्योर वाटर की वैल्यू हमेशा 7 होती है। सो इसी के बेस पर यूनिवर्सल की एक बार बात कर लेते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर की। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स और डाइज विच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ द एंटायर पी स्केल। देखिए स्टूडेंट, इस स्केल में आपके कलर्स को भी मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया था पहले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अलग अलग कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर में एसिड और बेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पीएच वैल्यू या पीएच स्केल पर डिपेंड करती है। वाटर विल प्रोड्यूस अ ग्रीन कलर विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। वाटर जो होता है प्योर वाटर, वो ग्रीन कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर पर रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, हमारे भी लाइफ में पीएच वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। वो रीजन क्या है, देखिए पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टोमच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है स्टोमच में, उसके बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन प्रोसेस में। सो द पीएच चेंजेस इन माउथ कैन बिकम अ कॉज ऑफ टूथ डिके। और इसके अलावा हमारे जो दांतों में कैविटी हो जाती है या आपकी जो पायरिया बीमारी होती है, वो भी पीएच चेंज होने की वजह से होती है। हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, और टूथपेस्ट जो है वो बेस होता है, वो हमारे जो मिनरल्स वो आपके जर्म्स होते हैं उनसे वो उसे प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा प्लांट की ग्रोथ, एनिमल्स का सर्वाइवल भी प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ पीएच वैल्यू पर डिपेंड करता है। और दूसरे एनिमल्स लाइक जैसे कि इंसेक्ट्स, जैसे कि आपकी आंट चैटी, चैटी के अंदर भी क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर एसिड और बेस लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अपनी सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, अवर स्टोमच प्रोड्यूसेस एचसीएल, पीएच इज इक्वल टू 1.5। हमारे जो पेट में एचसीएल प्रेजेंट होता है, रिलीज होता है डाइजेस्टिंग प्रोसेस के लिए। इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग अवर फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमच। ये स्टोमच को हार्मफुल नहीं करता है बट डाइजेशन करता है। बट इन अवर ईटिंग ओवर ईटिंग द एक्सेस एसिड इन द स्टोमच कॉज्ड इनडाइजेशन। जब हम ज्यादा खा लेते हैं या क्या करते हैं, ऑयली चीज खा लेते हैं, तो स्टोमच ज्यादा एचसीएल प्रोड्यूस कर देता है, और उससे क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन होता है वो बिगड़ जाता है, और इससे हमारे पेट में दर्द होने लगता है, इरिगेशन होने लगती है। और इसका जो यूज किया जाता है, फिर उसके ऊपर क्या लेते हैं, हम एंटासिड लेते हैं, इनो ले लेते हैं, बेकिंग सोडा ले लेते हैं, हींग ले लेते हैं,
ये क्या होते हैं, ये सब एंटासिड का काम करते हैं जो माइल्ड बेस होते हैं, इनका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है बॉडी पर, और ये एंटासिड एक्सेस एसिड के साथ स्टोमच में रिएक्शन करता है और उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। आपका एंटासिड की फॉर्म में जो यूज किया जाता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए पीएच वैल्यू हमारे टूथ डिके में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम फूड लेते हैं तो उसमें शुगर प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया भी होते हैं, सो द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड्स, वो शुगर को ब्रेक कर देते हैं एसिड की फॉर्म में, और एसिड हमारे माउथ की जो पीएच वैल्यू होती है उसे कम कर देता है। ठीक है, और टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ एसिड्स फॉर्म इन द माउथ फॉल बिलो 5.5, जो हमारी जो माउथ की जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम हो जाती है, तो एसिड जो होता है वो हमारे जो इनेमल्स होते हैं टूथ जो हमारे टीथ जिनसे जुड़े होते हैं वो उस पर अटैक करने लगते हैं और उसे क्या करते हैं, खाने लगते हैं, कीड़े लग जाते हैं दांतों में तो वो अटैक करने लगते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज टू क्लीन द माउथ थ्रोअली आफ्टर ईटिंग फूड, जब भी हम खाना खाएं तो हम क्या करेंगे, अपने माउथ को अच्छी तरीके से क्लीन करें ताकि हम अपने टीथ को बचा सकें। बाय यूजिंग द टूथपेस्ट फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन माउथ एंड प्रिवेंट टूथ डिके, इसके अलावा हम टूथपेस्ट का भी यूज करें ताकि हमारे एसिड्स का जो अमाउंट है माउथ में वो कम हो जाए और न्यूट्रलाइज हो जाए, इससे हम टूथ डिके से बच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच स्केल, प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं वो भी पीएच चेंजेस पर डिपेंड करते हैं। जब पीएच वैल्यू सोयल की या प्लांट की ग्रोथ पर डिपेंड करती है, जब सोयल ज्यादा एसिडिक होती है तो पीएच वैल्यू कम हो जाती है, इससे क्या होता है जो मिनरल्स होते हैं प्रेजेंट हमारे वो कम हो जाते हैं, यानी क्विक लाइम जैसे कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेट डाइट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चौक कैल्शियम कार्बोनेट ये भी हमें सोयल से ही मिलते हैं और पीएच वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, सो स्टूडेंट्स देखिए सर्वाइवल की बात करें तो कुछ एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे होते हैं जो केमिकल वॉर रखते हैं, यानी कि एक तरीके से अपने पास बचाने के लिए केमिकल रखते हैं, क्या करते हैं जैसे हम उनके संपर्क में आएंगे वो अपना एसिड या जहर छोड़ देते हैं हमारी बॉडी में, और उससे क्या होती है तो खुजली लगने लगती है, कई बार बहुत ज्यादा हमारे निशान पड़ जाते हैं, स्पॉट्स से हो जाते हैं, तो वो हमारे क्या करते हैं हमारी बॉडी में एसिड इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे एसिड की बात करें, हनी भी मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी हमारे अंदर एक लिक्विड एसिडिक हमारी स्किन के अंदर छोड़ देती है और इससे हमें बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको स्टडी करना है, और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करिए कोई प्रॉब्लम है तो, स्टूडेंट्स इसकी वीडियोस को आपको जरूर देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल नेम है केमिस्ट्री अमेजिंग वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय स्टूडेंट्स।